सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल और गाइस क्यूएनए के एपिसोड नंबर 48 में आप सभी का स्वागत है। गाइस सुबह में मैंने अपने कम्युनिटी टैब में आप लोगों को क्वेश्चन डालने को बोला था, आप में से बहुत सारे लोग ने वहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पिक करो और सारों का रिप्लाई करने वाला हो, तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप के यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये बोलते हैं जीत कनबर, ये पूछते हैं यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M1 और M2, डेफिनेटली माय Max Pro M2। सेकंड क्वेश्चन Realme U1 और 2 Pro, डेफिनेटली 2 Pro। और थर्ड क्वेश्चन 8.1 या Zenfone 5G, तो डेफिनेटली 5G। और Redmi 7 एंड 7A के स्पेक्स प्लीज, भाई स्पेसिफिकेशन पता नहीं है, पूरे निकल के नहीं आए, दो से तीन चीज़ पता है, तो यार पूरी चीज़ें अभी किसको भी कन्फर्म नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर परेश बोदानी बोलते हैं, बेसिकली इनका कहना ये है कि Zenfone Max Pro M2 बाय करूँ या Honor Play। देखो मैं आपको बोलूँगा यार, कैमरा मुझे स्लाइटली बेटर लगा Asus का। अगर कैमरा आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ में नहीं है, ठीक ठाक सा चल जाएगा, तो आप Honor Play के लिए जा सकते हो, बट लेकिन आपको कैमरा बेटर चाहिए, थोड़ा बहुत आप बाकी सारी फास्ट चार्जिंग वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप जा सकते हो Honor Play के साथ में। और भाई ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए भाई 16,000 में, अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, नहीं कर सकते हो तो ये दोनों डिवाइस में से आप कोई भी डिवाइस को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मनोज भट्ट बोलते हैं, भाई मेरे पास पोको F1 है, उसमें एंड्रॉइड पाई का अपडेट आया है, अपडेट करूँ या नहीं? यस डेफिनेटली कर सकते हो, गूगल लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है एज़ कम्पेयर टू ओरियो से, डेफिनेटली मेरे भाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उज्ज्वल कुमार बोलते हैं, भाई हम इन्फिनिक्स नोट 5 8,000 में ले लूँ? यस डेफिनेटली आप ले सकते हो, नोट 5 स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 4000 mAh के ऊपर की बैटरी मिल रही है, तो यार डेफिनेटली नोट 5 8,000 में किलर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राहुल अमीन बोलते हैं, Realme 2 Pro और Vivo V11 कौन सा अच्छा है? मुझे कैमरा बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी होना चाहिए, वाटर ड्रॉप नॉच चाहिए बेसिकली इनको, तो यार मैं आपको बोलूँगा V11 Pro तक का आपका बजट है तो वो ले लेना, खाली V11 मुझे इतना खास नहीं लगता है, उससे अच्छा डेफिनेटली आपके लिए है Realme 2 Pro। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हर्षवर्धन बोलते हैं, भाई पोको F1 से खुश होना, ओवरऑल कैसा लगा, एनी प्रॉब्लम यू नोटिस, थिंकिंग टू बाई इट सेल इन 18K, इससे ले लूँ या फिर और फोन का वेट करूँ? मेरे भाई अगर आपको परफॉर्मेंस, कैमरा, फास्ट चार्जिंग टाइप सी और ओवरऑल एक अच्छा पैकेज चाहिए, अगर आपको 18,000 में मिल रहा है 64+ 6GB रैम वाला, ले लो भाई बिना सोचे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं याकूब हुसैन, ये बोलते हैं भाई मुझे अच्छा कैमरे वाला फ़ोन चाहिए 15,000 में, Max Pro M2 या Note 6 Pro लूँ? ये दोनों में से थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, बता दो भाई। देखो भाई मेरा कैमरा रिव्यू ये दोनों फ़ोन का कल आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा भाई, उसका वेट कर लो, आपको पता लग जाएगा किसका कैमरा बेटर है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं राहत अली, ये बोलते हैं भाई Asus Zenfone Max Pro M2 का टाइटेनियम कलर कब होगा आएगा, और Asus Zenfone Max Pro M2 में बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो भाई मैं आपको बता दूं, टाइटेनियम कलर मतलब कंपनी का कहना है कि भाई नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा, और यार बैटरी ड्रेन की मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रही यार, बैटरी लाइफ ना M2 की कमाल की है भाई, बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं मानव राजपूत, ये बोलते हैं नोट 5 प्रो में पाई का अपडेट आएगा या नहीं? यस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रविंद्र रावत बोलते हैं, भाई कैसे हो, रियलमी में 6.0 का अपडेट कब तक आएगा? भाई मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और रियलमी 1 में कलर हुआ 6.0 का अपडेट भाई आपको सेकंड क्वार्टर से पहले देखने को मिल जाएगा, मतलब जून से पहले आपको देखने को मिल जाएगा 2019 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलेश माते बोलते हैं, इनका बेसिकली कहना ये है कि लेनोवो अपने जो फ़ोन है वो इंडिया में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ वो इंडिया में लॉन्च करेगा या नहीं, और लॉन्च करेगा तो हाइब्रिड स्लॉट के साथ में करेगा या ट्रिपल स्लॉट आएगा, तो बताना ज़रूर फ़ायदा होगा या नहीं। अगर लेनोवो यार बिलीव मी, ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च करे चाइना में जो 3 से 4 फ़ोन, अगर वो सारे फ़ोन इंडिया में लॉन्च करते ना, मतलब मार्केट जो ग्राफ ऐसा जा रहा है ना लेनोवो का नीचे की तरफ, ऐसा हो जाएगा, सीधा ऐसा भी नहीं जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो मुझे लगता है यार धमाका कर देगा। बट अब लेनोवो के ऊपर है भाई कब लॉन्च करते हैं, और अगर हाइब्रिड स्लॉट के साथ में भी आता है तो चलेगा, बाकी अगर ट्रिपल स्लॉट दे तो भाई और ही बढ़िया बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोनम सबल बोलते हैं, नोकिया 5.1 प्लस लेना सही रहेगा क्या बिकॉज ग्लास बिल्ड? डेफिनेटली यार अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज का डिवाइस चाहिए, बिल्ड क्वालिटी आपको कमाल की चाहिए, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, तो नोकिया 5.1 प्लस 10,000 के अंदर मिल रहा है या 10,000 में भी मिल रहा है तो बढ़िया डिवाइस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आदित्य शिदोरे बोलते हैं, आज मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा, बस इतना कहना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई फॉर 111K सब्सक्राइबर, ऐसे ही ग्रो करते रहो अपनी लाइफ में और आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, लव यू फ्रॉम सांगली, थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट एंड लव यू टू फ्रॉम मुंबई। भाई आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा डेफिनेटली, हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे बहुत ही जल्दी, आई होप सो कि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रदीप आहूजा बोलते हैं, भाई आपका इस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 के साथ एक्सपीरियंस कैसा है, लव यू फ्रॉम सूरत इस फोन। भाई लव यू टू फ्रॉम मुंबई। और M2 यार मुझे पर्सनली यार मैं बताऊँ ना, 15,000 की प्राइस पॉइंट पे जो 4GB 64GB वाले वेरियंट की बात करो जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे यार इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से डिवाइस काफ़ी बढ़िया लगा और काफ़ी अच्छा इसूस ने यहाँ पर डिवाइस को लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबिल के राजेश बोलते हैं, भाई मुझे एक फ़ोन लेना है परफॉर्मेंस कैमरा बिल्ड, नोकिया एस ब्रांड मुझे पसंद है, तो क्या नोकिया के कौन से फ़ोन लिया जाए। अच्छा लव यू भाई, भाई लव यू टू। और नोकिया का अगर आपका बजट है 20-25 तक जा सकते हो तो नोकिया 8.1 मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन अगर आपको 15-16 में चाहिए तो भाई नोकिया 6.1 प्लस अभी भी काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कल्याण चिंटू बोलते हैं, भाई लेनोवो Z5S कब इंडिया में आएगा और पोको F2 ईगरली वेटिंग फॉर दोज डिवाइस। देखो भाई लेनोवो Z5S अगर इंडिया में आ जाता है ना भाई, मैं सबसे पहले उसे खरीदूंगा और जो भी फेवरेट कलर रहेगा भाई उसका मैं रिव्यू करूंगा, क्योंकि पर्सनली मैं खुद Z5S का वेट कर रहा हूँ। इतने कमाल के स्पेसिफिकेशन चाइना में लॉन्च करे भाई लेनोवो वालों, इंडिया में लॉन्च कर दो, बिलीव मी लेनोवो का ग्राफ अगेन बोल रहा है ऐसा है ना तो सीधा ऐसा जाएगा, ऐसा भी नहीं जाएगा। Z5S का तो मैं पर्सनली खुद इंडिया लॉन्च का वेट कर रहा हूँ। आई होप सो कि भाई लेनोवो यार बहुत नीचे चले गए भाई, उठने का टाइम आ गया है, लॉन्च कर दो। आई होप सो कि लेनोवो ये डिवाइस को लॉन्च करेगा। पोको F2 डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको मई जून के आसपास ये लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रोगेश सावंत बोलते हैं, आपके हिसाब से फर्स्ट 5G स्मार्टफोन ब्रांड लेके आएगा बजट में, और लव यू भाई लव यू टू। बजट में मतलब 25-30-35,000 के आसपास की बात करो तो मुझे लगता है वन प्लस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रमेश मोहंती बोलते हैं, ब्रो सुना है कि स्नैपड्रैगन 675 के साथ में MI का एक फ़ोन आने वाला है, इज इट ट्रू। यस डेफिनेटली यार लीक्स निकल के आई है, आई होप सो। Xiaomi यार डेफिनेटली नए प्रोसेसर के साथ में ला सकता है, वेट कर लो, जैसी भी न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दीपक चौधरी बोलते हैं, भाई मुझे 2-3 साल तक ये फ़ोन चलाना है 15,000 की रेंज में ऑलराउंडर फ़ोन। देखो मैं आपको दो ऑप्शन बोलूँगा, पहले नंबर पर रेकमेंड करूँगा Asus ZenFone Max Pro M2, बढ़िया डिवाइस है, 2-3 साल चल जाएगा। और सेकंड है Note 6 Pro, ये दोनों डिवाइस ले लो यार, आप 15,000 में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं SMH सैयद, ये बोलते हैं भाई Realme U1 का गोल्ड कलर कब आएगा। भाई पता नहीं कंपनी क्या कर रही है, इतना बढ़िया मतलब कलर निकाले फिर भी कब लॉन्च करेंगे पता नहीं भाई, नो आइडिया अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रोनित पटेल बोलते हैं, डस ओनर प्ले हैव नोटिफिकेशन LED लाइट। यस भाई है उसमें, और पूछ रहे विच वन शुड आई बाई, ओनर प्ले और ओनर 8X। मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर ओनर प्ले आपको 15-16 में मिल रहा है तो भाई ओनर प्ले इस बेटर डिवाइस एज कम्पेयर टू ओनर 8X है। विजय मेहता बोलते हैं, ब्रो बेस्ट फोन अंडर 12K कौन सा होगा, आई हेट Asus फोन। तो 12,000 में यार अगर आपको डिस्काउंट वगैरह लगा के अभी HDFC पे आता है ना, तो Note 6 Pro अगर मिल जाता है तो अगर आपको Asus नहीं चाहिए तो Note 6 Pro की तरफ आप जा सकते हो, Realme U1 भी मुझे काफ़ी बढ़िया डिवाइस लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टेक लोवी बोलते हैं, फूसिया OS क्या ये एंड्रॉयड को रिप्लेस कर देगा। देखो ये सब मानने को तो आ रहा है बट बहुत ही मुश्किल बात रहेगी, क्योंकि गूगल की तरफ से ये आ रहा है तो हो सकता है कर दे, लेकिन यार अभी जल्दी तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कवर कर पाएगा एंड्रॉयड को या रिप्लेस कर पाएगा एंड्रॉयड को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभी कुमार बोल रहे हैं, ब्रो Realme 3 में कौन सा प्रोसेसर हो सकता है और कब आ सकता है। Realme 3 आपको यार मतलब फर्स्ट क्वार्टर में शायद देखने को मिल जाएगा 2019 के, और प्रोसेसर यार Realme 3 Pro 2 Pro का सक्सेसर रहेगा या Realme 2 का सक्सेसर रहेगा भाई, पहले तो वो कंफर्म होना पड़ेगा उसके बाद में बता सकता हूँ, प्रोसेसर के बारे में मैं आपको कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बादशाह क्रिएशन बोलते हैं, 10,000 में मोबाइल लेना है कौन सा लू, तो 10,000 में यार Asus ZenFone Max Pro M1 3GB 32GB वाला वेरिएंट ऑफर में आपको 10,000-9,000 में मिल जाता है भाई, उसे परचेस कर लो, किलर डिवाइस है। साथ में पूछ रहे विच कॉलेज यू स्टडी भाई एंड विच कोर्स, भाई मैंने साइंस से पढ़ा हूँ, अंजुमन इस्लाम VT फोर्ट या आप बोल सकते हो Mumbai 1, वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ और कोर्स मैंने साइंस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुणाल सेठी बोलते हैं, यासर भाई ये अंडरक्लॉक स्नैपड्रैगन 663 का क्या मतलब है। भाई देखो क्लॉक स्पीड होती है कोई भी प्रोसेसर की, जितना फास्ट वो वर्क करता है, तो अंडरक्लॉक बहुत सारी कंपनी यार सस्ता चिपसेट मिलता है उसके हिसाब से भी ले लेते हैं, या तो यार कोई डिवाइस हीट हो रहा है उसके हिसाब से भी अंडरक्लॉक चिपसेट यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इतना मैटर नहीं करता है, थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलता है, बाकी क्लॉक स्पीड हर प्रोसेसर की आपको देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कामरान खान बोलते हैं, भाई लो बजट में ईयरफोन सजेस्ट करो अंडर 500। तो अभी के लिए यहाँ पर MI का जो आता है 400 रुपये वाला, यार कमाल का ईयरफोन है, मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ। और रियलमी बर्ड्स भी अभी आपको देखने को मिलेगा, उसका मैं पर्सनली रिव्यू करने वाला हूँ जैसे ही सेल पे जाएगा, तो आप मेरा रिव्यू का वेट कर सकते हो। आई होप कि 1500 बोल रहा हूँ 500 रुपये में बहुत ही बढ़िया ईयरफोन रहेगा। ये तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन लगभग 28 से 30 क्वेश्चन थे, आई होप कि मैंने आप लोगों का बराबर से जवाब दे दिया हो। अगर दे दिया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और कोई क्वेश्चन रह गया या आपको पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिंदास जो पूछने पूछ सकते हो। आई होप कि वो सारे क्वेश्चन का भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इसे होप कि मेरी तरफ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।